तो बिग बॉस के घर में ऑडियंस को कंटेंट देने आई है आयशा खान। चुड़िया उड़ मैना उड़ टपली मार, इससे ज्यादा कंटेंट उनके पास नहीं है। जिस तरीके का प्रोमो सामने आया उसे देख करके लगा कि पता नहीं मुनव्वर फारूकी ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये बंदी बिग बॉस के घर में आ गई, उसको सॉरी चाहिए। लेकिन मुनव्वर ने अपनी गलती को एक्सेप्ट करके सॉरी बोल दिया। उसके आगे का प्लान किया, प्लान बिग बॉस के घर में आने का था, वो सपना पूरा हो गया है। और अब यहाँ पर मुनव्वर को पूरी तरीके से गिल्ट ट्रिप में डाल दिया कि बेटा तुमने ये सारी चीजें गलत करी हैं, ताकि मुनव्वर उनके आगे पीछे घूमता रहे। कहीं ना कहीं ऑडियंस बहुत सारी जो चीजें वो नहीं भूल सकती, क्योंकि भैया इतना नॉर्मल नहीं होता है। 3 दिन से लगातार एक प्रोमो देखा गया, प्रोमो देखने के बाद लोगों में गुस्सा भरा हुआ था कि ये हो क्या रहा है। उसके बाद मेन एपिसोड आता है, एक बंदे को हम देखते हैं कि वो गिल्ट ट्रिप में पूरी तरीके से चला गया है। नाउ अभी पूरी तरीके से जो मैडम आयशा है ना, वो नॉर्मल हो चुकी है, नॉर्मल हो गई है, मस्ती मजाक कर रही है, मुनव्वर के आगे पीछे घूम रही है, चुड़िया उड़ मैना उड़ टपली मार खेल रही है। अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि चलो पहले बोलती है चलो टपली मार खेलते हैं, फिर उसके बाद ये लोग डिसाइड करते, नहीं चुड़िया उड़ मैना उड़ और हम बीच में कुछ ऐसा बोलेंगे जो उड़ता नहीं है, जैसे कि गधा उड़, ये सारी चीजें हम बोल देंगे। विकी को बोलती है चलो गेम खेले, अरुण से विकी को बोलती है आपकी बनती है क्या, चलो उसको भी बुला लेते हैं। कॉन्टेंट कोई दे नहीं रहा, सब लोग सो रहेंगे, कॉन्टेंट दो कॉन्टेंट। तो ये वाला कॉन्टेंट किसको चाहिए, चुड़िया उड़ मैना उड़ गधा उड़ कुत्ता उड़, मतलब ये किसको कॉन्टेंट चाहिए। फिलहाल क्या हो रहा है बिग बॉस के घर में, बिग बॉस ने सोचा होगा कि मतलब आयशा खान को ला रहे, अब मुनव्वर की वो क्लास लगाएगी, हर रोज यहाँ पर हंगामा होगा। लेकिन आयशा सिर्फ एक दिन का वो फुसकी बॉम्ब थी जिसने दिखाया फायर, लेकिन उसके बाद वो फुसकी निकली। फिलहाल क्या कहना है आपका कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।